इधर रिएक्शन देख रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। आज संडे है और वी आर हेडिंग टू शेरे पंजाब। भाई संडे है तो एड्रेनलिन रश रहेगा ही, फुल एक्साइटेड है। सुबह सब बंदे भी उठ गए और हम लोग निकल चुके हैं मॉर्निंग राइड के लिए। वो तो यार एक और चीज़ बता रहा था, अपने ग्रुप में नई बाइक आई है ड्यूक 390, जिससे बहुत जल्दी ब्लॉग करेंगे और दिखाएंगे भी। यार यहीं से जाम स्टार्ट, कॉन्फिडेंस की यहीं से मार दिया है। तो यार आज काफी नए लोग भी हैं, काफी पुराने लोग भी हैं। सरदीन भाई जो BMW लेके वो भी ज्वाइन कर चुके हैं भाई। आजकल पुलिस का चेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। यार आज सच में बहुत सारे बंदे जाने वाले थे, बट यार आज सुबह मतलब सबसे बड़ा बात होता है भाई सुबह उठना, वही उन लोग नहीं उठ पाया यार। तो कोई ना, नेक्स्ट राइड से ही ज्वाइन करेंगे। और कितनों का काम वाम भी था, तो जैसे किसी अगर में शादी वादी है और भाई बंदा इनवाइट भी नहीं करता है। अरे भाई साहब एक के खोल यार दरवाजा। चलो अपन लोग संतरागाछी पार करके ही रुकेंगे, फिर वेट करते हैं हम लोगों की, यहाँ से निकल जाएगा ना भाई। एक्चुअल में एक दिक्कत वाली बात और है। हुआ क्या था कि जब जिस दिन ड्यूक की डिलीवरी लेने जा रहे थे, उस दिन भाई मेरा पर्स गिर गया कहीं, तो उसमें भाई बाइक का पेपर्स था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, सब कुछ था। तो अगर मैं पकड़ाया आज तो भाई गए काम से, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास। अंकल का रिएक्शन देख रहे हो वहाँ पे, चलान न कट जाए तो रहा यान। एकदम सीधा यार, इसको सीधा सीधी लेके हमको मजाक करता है यार। करने के लिए ना अब हम लोग भी थोड़ा अपग्रेड करना होगा, मीन्स हम लोग भी थोड़ा अपग्रेड करना होगा। और मेन थिंग जो मैं सोच रहा था वो इसका एयर फिल्टर चेंज कराने का मैं सोच रहा था, क्योंकि इसका एयर फिल्टर की वजह से भाई जो इसका टॉप एंड वाला पिकअप है बहुत स्लो हो जा रहा है। मीन्स 120 के बाद, मतलब 110 के बाद ही इसका हालत ख़राब होने लग रहा है। और जबकि स्टॉक एयर फिल्टर था जो R15 का आता है, वो जब लगा हुआ था तब कोई दिक्कत नहीं होता था, एकदम स्मूथली 140 जाता था। उसके बाद थोड़ा टाइम लेके 150 150 की टच करता था, लेकिन यार ये एयर फिल्टर लगने के बाद
अब ना आदत सा हो गया है, मतलब जैसे आवाज़ सुनने का। और भाई रिएक्शन भी जब अच्छे अच्छे आते हैं ना तो यार अच्छा लगता है। तो इसे सोच रहे थे कि स्विच टू एक्रोपॉविक या फिर क्या किया जाए। भाई कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि एयर फिल्टर हटाना पड़ेगा। एयर फिल्टर से दिक्कत यह है कि थोड़ा इंजन की वजह से डैमेज होता है। ये भाई 300 लेके पूरा गियर वेयर पहन एकदम सीरियस राइड एकदम। नहीं वैसे एकदम सही है, गियर वेयर पहन के राइड कर सकती है। अच्छा मेरे पास लो सीसी बाइक है, सो इधर ज़्यादा थोड़ा नॉर्मल ही चलते हैं। मालूम है भाई ओवर स्पीडिंग होगा नहीं। वाला का पीछे पड़ गया पता है, बहुत जोर से उधर चेयर वगैरह चल रहा है और मेरा तो भाई जोर उधर घूम गया यार, तब पहले भी नहीं आ रहा है। और की बात बहुत खुश है, बहुत खुश है। One hour later. We are back again. Breakfast वगैरह सब अच्छे से हो गया। And now I'm riding 310 BMW. Bike बहुत सारी शक्ल हो गए हैं तो आगे चल के दिखाते हैं। यार वाइजर बंद नहीं हो रहा है। पता नहीं विंड ब्लास्ट होता रिकॉर्ड हुआ होगा या नहीं आवाज़ इसका, लेकिन फॉक्स बहुत सेक्सी है। और अपनी भाई हाथ में रॉयल चीज आ गई है यार।
चाय वाय पीना है इन लोगों को, फिर स्टार्ट हो गया इन लोग का। ये रही अपनी रॉयल्टी। यो वाह, स्पोर्ट बाइक लेकर टान रहे हो। तो भाई यहाँ थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर ही आगे का प्लान करते हैं। क्या वापस घर ही जाना है, अगर फरदीन भाई कैफे कैफे कर रहा है। लेट्स सी। फ्यू मोमेंट्स लेटर। यार बैक अगेन अपने बाइक पे। हम लोग आ चुके हैं अपने फेवरेट कॉर्निंग सेक्शन पे। यार आज की लीन देखनी है भाई कैसी होगी। पूरा खाली था, मजा आ गया। अरे यार साथ में रहना चाहिए था यार सबको, बट स्टिल कोई ना, मजा आ गया। अरे इसको देख कर एक दोस्त की याद आ गई। चलो 1-2। यार कॉर्नरिंग करके ना मतलब मजा आ जाता है। यार कैमरे का चार्ज अब बहुत लो हो गया है, मतलब एकदम ही लो हो गया है, तो आई हैव टू क्लोज द वीडियो। तो भाई कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तो मिलेंगे भाई कोई अगली अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।